हरियाणा सरकार के 9 साल पूरे होने पर करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे। मंच से शाह ने 5 नई योजनाओं को शुभारंभ किया, जिसमें एक तीर्थ यात्रा योजना भी शामिल है। जैसे ही शाह ने इस योजना का शुभारंभ किया, वैसे ही आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर तंज कसने शुरू कर दिए। अनुराग ढाणा ने कहा कि अमित शाह अरविंद केजरीवाल की नकल करते हैं, क्योंकि दिल्ली की तरह शाह ने हरियाणा में भी तीर्थ यात्रा योजना को लागू कर दिया। सुनिए ढाणा ने क्या कहा। इनको पता है कि हमारी नीतियां ऐसी हैं जो लोगों के दिलों में पहुंच जाती हैं और लोग उनको लाइक करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अमित शाह जी से पूछिए ना, कल आए थे अनाउंस करके गए। अरविंद केजरीवाल जी की नकल करके जैसे दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चलती है, कल अमित शाह जी यहाँ आए तो यहाँ मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। नकल तो खूब करते हैं अरविंद केजरीवाल जी की, उनसे सीखना भी चाहते हैं बीजेपी वाले, लेकिन उसी काम का आम आदमी पार्टी प्रचार करे तो इनको लगता है कि नहीं, फिर तो हम हार जाएंगे, इसलिए ईडी का सीबीआई का सहारा लेके हमको जेल में डालते। वहीं ईडी को लेकर ढाणा ने कहा कि वो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, इनके अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े जा रहे हैं, बीजेपी ईडी का प्रयोग कर चुनाव जीतना चाहती है। देखिए, ये एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि ईडी खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसके अधिकारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। इससे स्पष्ट पता चलता है कि हर राजनीतिक दल के मन में संदेह है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, और एक परसेप्शन बन गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है, उसका इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के सारे नेताओं को जेल में डाल के और फिर चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे पाकिस्तान में नहीं होता है कि वो चुनाव अपनी मर्जी से फौज कराती है और अपनी मर्जी से चुनाव जीत लेते हैं, वैसी स्थितियां ये देश के अंदर पैदा करना चाहते हैं कि चुनाव हो तो सही, होता हुआ दिखे तो सही, लेकिन उसमें कोई भी सामने अगर आपके खड़ा हो तो उसको आप जेल में डाल दो, तो फिर एक ही खिलाड़ी दौड़ेगा और एक ही खिलाड़ी कहेगा कि मैं जीत रहा हूं। ये लोकतंत्र नहीं है, ये तानाशाही की तरफ बढ़ते हुए मोदी जी के कदम है। इन कदमों को देश की जनता रोकेगी, पूरे देश में अब ये स्पष्ट है। पहले तो ये हमारे बारे में भ्रम फैलाना चाहते थे कि शायद कोई आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार हो गया, लेकिन अब पूरे हिंदुस्तान के सामने स्पष्ट है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी को रोकने की चाल है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताने वाले, दुनिया की सबसे छोटी पार्टी, सबसे नई पार्टी आम आदमी पार्टी से डरते हैं। वो भी इसी का हिस्सा है। ये कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे ज्यादा अगर किसी को डोनेशन मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि भाई ये डोनेशन कहां से मिला, जनता को पता तो होना चाहिए, लोकतंत्र में जनता को सब पता होना चाहिए। ये कहते हैं कि नहीं, जनता को नहीं बताना है ये कि कहां से मिला है चंदा। तो इनको चंदा मिले तो ठीक है, और अगर किसी और को चंदा मिले तो उनको चंदा देने वाले हर व्यक्ति को ये इनकम टैक्स का नोटिस भेजते हैं, हर व्यक्ति के खिलाफ सीबीआई और ईडी लगा देते हैं। ये स्पष्ट तौर पे ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी मुकाबला करने से अब घबरा रही है। आप हरियाणा के अंदर देख लो, नगर निगम के इतने चुनाव पेंडिंग है, नगर निकाय के इतने चुनाव पेंडिंग है, पंचायत के चुनाव इन्होंने लेट कराए। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक व्यवस्था से डरते हैं, ये तानाशाही तरीके से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं। बता दें कि 5 नवंबर को रोहतक में केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान हरियाणा आप पार्टी के नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए आएंगे, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अनुराग ढाणा ने बताया कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए 11,000 नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा